चिकन पास्ता को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ मैकरोनी पास्ता, 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिकन मसाला, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 टेबल स्पून ऑनियन चॉप्ड, 2 टेबल स्पून टोमेटो चॉप्ड, 3 टेबल स्पून कैप्सिकम चॉप्ड, 1 से 2 पीसेस ऑफ गार्लिक बारीक चॉप करके, थोड़ा सा चिकन अराउंड 50 ग्राम्स और 3 से 4 ग्रीन चिलीज को चॉप करके। तो यही है सारे इंग्रेडिएंट्स, और इनको छोड़ के हमको जो जो लगेंगे वो है वाटर और ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सूपी चिकन पास्ता को बनाना। और मैंने एक कढ़ाई के अंदर 2 टीस्पून व्हाइट ऑयल डाला हुआ है, और तेल में हम लोग सिर्फ अनियन और जो गार्लिक है उसका पत्ता जो है, लीव्स, अनियन लीव्स एंड गार्लिक लीव्स, उसको छोड़कर बाकी जो जो यहाँ पर है हम लोग सब उसमें डाल देंगे और करेंगे 2 मिनट के लिए फ्राई। इसमें हम लोग डालेंगे जो हमारा चिकन मसाला था उसको, इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इसमें डालेंगे 1 लार्ज कप ऑफ वाटर। मैंने यहां पर अराउंड 300 ml ऑफ वाटर ऐड किया है 100 ग्राम्स पास्ता के लिए। गैस का जो फ्लेम था उसको हम लोगों ने इतने देर तक मीडियम पे रखा हुआ था, और अब इसको हाई पे करके हम लोग इस पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। पानी अब थोड़ा थोड़ा उबलने लगा है, हमारे जो टोमेटो सॉस था हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पानी अच्छे से उबल रहा है। अब हम लोग इसमें पास्ता को ऐड करेंगे और कवर करके 7 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो पास्ता हमारा अच्छे से कुक हो गया है, और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था उसको मैंने 4 टेबलस्पून वाटर में घोलकर, और इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मैंने मिक्स किया है, टोटल ब्लैक पेपर पाउडर लिया था उसमें से। और अब एक हाथ से हम लोग इसको सूप में ऐड करेंगे और एक हाथ से इसको स्टर करते रहेंगे। और अब लास्ट में गैस के फ्लेम को ऑफ करने से पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे जो ब्लैक पेपर पाउडर था उसको, करेंगे अच्छे से स्टर। और अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो बन गया है हमारा यम्मी सूपी चिकन पास्ता। आप लोग इसे घर में जरूर ट्राई करो क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हाँ, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को ये टेस्ट करके कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि सब तक ये रेसिपी पहुंच पाए और सब इसको बना के घर में इंजॉय कर पाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए।